हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जो मिठाई है ना, बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है और इसे हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। बिना गैस जलाए, बिना कोई तामझाम के ये मिठाई जो है ना, बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। ये जो मिठाई है ना, मार्केट की बहुत ही महंगी मिठाई है, तो आप भी घर पे बहुत ही आसानी से इस मिठाई को बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये लुक वाइज कितना ज्यादा यम्मी लग रहा है। फेस्टिवल स्पेशल इस मिठाई को आप जरूर ट्राई करें। आप किसी को भी ये मिठाई सर्व करेंगे ना, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है। और अगर आप बता देंगे ना, तो वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से टूट जा रहा है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और यम्मी ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है काजू और पिस्ता। 15 से 20 मैंने यहाँ पे काजू लिया है, जिसे मैंने बीच से तोड़ लिया है। उतनी ही क्वांटिटी में मैंने लिया है यहाँ पे पिस्ता। बरसात के मौसम में काजू में कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो इस तरीके से आप 2 टुकड़ा काजू करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक ग्राइंडिंग जार, उसमें हम ये काजू पिस्ता सब डाल देते हैं और इसे अच्छे से हमें ग्राइंड कर लेना है। रुक रुक के हमें ग्राइंड करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। जार में ये जो मिक्सचर है ना, चिपका रहता है, तो बाकी बचे मिक्सचर को भी हम निकाल लेंगे। अब इसी जार में हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी नारियल का बुरादा लिया है। आप किसी भी कटोरी से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं, ये भी है 1 कटोरी के करीब। अब हम डालेंगे चीनी। आप इसकी जगह पाउडर वाली भी चीनी डाल सकते हैं, या फिर जो धागे वाली मिश्री आती है ना, उसे भी पीस कर पाउडर बना लीजिए, वो भी डाल सकते हैं। तो इसे भी मैंने 1 कटोरी के करीब लिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो इसमें शुगर पाउडर डालकर ही बनाएं। मैंने इसमें डायरेक्ट चीनी डाल दिया है, क्योंकि मुझे पता है किस तरीके का पाउडर हमें इसका बनाकर तैयार करना है। तो हम रुक रुक के मिक्सी का जार चलाएंगे और इस तरीके का, ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये जो मिक्सचर है ना, मिठाई का बनकर तैयार है। तो यहाँ पे मैंने लिया है दूध की मलाई। जो हम नॉर्मली दूध उबालते हैं ना, उसके ऊपर जो मलाई आ जाती है, बस वही मलाई हमें लेना है। और इसे अच्छे से हमने फेंट लिया है, तो हम एक एक चम्मच करके इसमें डालेंगे। तो बहुत ही छोटा चम्मच है, इसलिए मैंने इसमें डाला है 4 चम्मच के करीब ये मलाई, और अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इस मलाई में थोड़ा सा दूध भी रहता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और थोड़ा थोड़ा मलाई डालकर इसे हमें मिक्स करना है। तो टोटल 8 चम्मच के करीब ये जो मलाई है ना, मैंने डाला है, तभी भी ये मुझे सूखा सूखा सा लग रहा है। तो एक बार हम इसे मिक्स करके अच्छे से चेक कर लेते हैं, क्योंकि चीनी से भी थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छे से इसे मिक्स कर लें। ये देखिए अच्छे से बाइंड हो रहा है, यानी कि बहुत ही बढ़िया से ये मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब दूध। दूध हमारा जो है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। तो अच्छे से हम इसे मिक्स करके इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर जो डो है हमारा मिठाई का, बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार है। और ये देखिए काजू से कितना ज्यादा मॉइस्चर रिलीज हुआ है, आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि कितना सारा हमने इसमें घी डाला है। मिठाई का जो डो है हमारा बनकर तैयार है। काजू और पिस्ता का जो हमने पाउडर बना के रखा था ना, तो इधर हम ले लेते हैं और उसमें हम थोड़ा सा जो डो का हिस्सा है ना, 1 चम्मच के करीब इस डो का हिस्सा लेना है, और अच्छे से ये जो काजू और पिस्ता का जो पाउडर है ना, उसमें हमें मिक्स कर लेना है। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन फूड कलर। तो बस 1 पिंच के करीब हम इसमें डालेंगे ग्रीन फूड कलर। ये पाउडर वाला है, आप यहाँ पे लिक्विड वाला भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच के करीब दूध, और अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। अगर आपको फूड कलर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बस मैंने मार्केट वाले मिठाई का लुक देने के लिए इसमें फूड कलर मिलाया है। इसे आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है कितना बढ़िया निखर कर आया है। और इसे इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। ये देखिए ये बाइंड हो रहा है ना, तो बस हमारा ये जो डो है ना, ये भी बनकर तैयार है। तो इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, और ये भी जो हमारा मिक्सचर है ना, अच्छे से इसे मिक्स करते हुए इसका डो बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। तो चलिए अब मिठाई बनाना फाइनली शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 बटर पेपर। आप इसकी जगह कोई सी भी प्लास्टिक ले सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास सिल्वर फॉइल या कुछ भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है, ताकि ये जो मिठाई है ना, बनाने में आसानी हो।
तो इस तरीके से ये देखिए, ये जो डो है ना इसके ऊपर रख के इस तरीके से हमें फैला लेना है। अच्छे से हम पहले हाथ की मदद से इस तरीके से फैला लेंगे, उसके बाद ये बटर पेपर को इसके ऊपर हम फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से हमें आसानी हो जाती है बेलने में। जो भी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना वो एक ही बार में परफेक्ट मिठाई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड घुमाते हुए अच्छे से बराबर शेप में हमें बेलकर इसे तैयार करना है। आप ये जो मिठाई है ना किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड शेप में बनाऊंगी मिठाई। तो आप देख सकते हैं मिठाई जो है बेलते टाइम टूट जाता है, तो इसे हम बराबर कर लेंगे इस तरीके से और इसे हल्के हाथों से चारों तरफ से हमें बेल लेना है। तो हमारा जो एक लेयर है ना बनकर एकदम तैयार है, आप देख सकते हैं। और इधर जो हमने काजू और पिस्ता का जो डो बनाकर रखा था ना उसे इस तरीके से हमें शेप देना है। तो इसे इस तरीके से लंबे साइज में हमें शेप देना है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अब हम इसे इसके ऊपर रखेंगे और इसे अच्छे से हमें शेप देना है ताकि कहीं से ये टूटा फूटा ना दिखे। अब हल्के हाथों से इसे हमें रोल करना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। बटर पेपर की वजह से बहुत ही आसानी से ये जो मिठाई है ना बनकर तैयार हो जाती है। आप इसकी जगह किसी भी प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं या सिल्वर फॉइल का यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड से हमें अच्छे से इसे फोल्ड कर लेना है और इसे इस तरीके से आप देख सकते हैं इसे हम शेप देते रहेंगे ताकि ये एक बराबर अच्छे से शेप में रहे। तो अब हम इसे अच्छे से शेप देते हुए बटर पेपर में रोल कर लेंगे और इसे एक बार हम खोलकर चेक कर लेंगे। तो ये देखिए इसके साइड वाले पार्ट अभी खुले हुए हैं, तो इसको अच्छे से हम कवर कर लेंगे। अच्छे से बहुत ही आसानी से ये कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो मिठाई है ना एकदम बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो इसे शेप देते हुए एक बार हम फिर से बटर पेपर में इसे रोल कर लेते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ना फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से आप एक ही बार में ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मैंने बटर पेपर में रोल कर लिया है। अब इसे हमें रख देना है फ्रिज में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम फ्रिज से इसे निकालेंगे और ये देखिए हमारी जो मिठाई है ना एकदम बढ़िया से सेट हो गई है। तो इसे हम बटर पेपर में से निकाल लेते हैं और ये जो बटर पेपर है ना इसे आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं। और ये जो मिठाई है ना आप इसका शेप देखिए कितना बढ़िया से ये सेट हो गया है। तो इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा हम रोल कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए इसके साइड वाले पार्ट को हम कट करके हटा देंगे और आप कट करने से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। और जब भी आप इसे कट करें एक बार नाइफ़ को साफ़ कर लें तो ये देखिए कितनी बढ़िया से कितनी आसानी से ये कट रहा है। इसका मतलब है हमारी जो मिठाई है बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट बनी है। मार्केट में मिलने वाली महंगी मिठाइयाँ अब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इस त्यौहार पे इस मिठाई को ज़रूर बनाकर अपनी फैमिली को सर्व करें या कोई भी गेस्ट आए उसे सर्व करें। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये घर पे बनाया है। तो सारी मिठाइयों को मैंने एक एक करके कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसके साइड वाले पार्ट को हमें हटा देना है। तो इस तरीके से ये देखिए मैं इसे उठा उठा कर रख देती हूँ क्योंकि एक चीज मैं भूल गई थी फ्रेंड्स इसके ऊपर लगाना, और वो है चांदी का वर्क। आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से चांदी का जो वर्क है ना लगा सकते हैं मिठाई के ऊपर। आप इसके बगैर भी इस मिठाई को सर्व कर सकते हैं, लेकिन मार्केट वाले लुक के लिए मैंने इसके ऊपर लगाया है ये चांदी का वर्क। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉटन से या फिर मैं जिस तरीके से प्लकर से इसे उठाकर इसके ऊपर लगा रही हूँ, बहुत ही आसानी से इस तरीके से लग जाता है। जब हम ये मिठाई का जो रोल कट कर रहे थे ना उसी टाइम पे हमें ये चांदी का वर्क लगाना होता है, लेकिन मैं फ्रेंड्स भूल गई थी। तो इस तरीके से हम टैप टैप करके अच्छे से इसे चिपका देंगे। तो कभी कभी किसी से भी गलती हो सकती है। तो ये देखिए एकदम महंगी मिठाई लग रही है ना, और देख के ही मुंह में पानी आ रहा होगा। ये इतना ज्यादा टेस्टी स्वादिष्ट मिठाई बनकर हमारी तैयार हुई है। चांदी के वर्क की जगह आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। सिर्फ मैंने मार्केट वाली मिठाई का लुक देने के लिए इसके ऊपर लगाया है चांदी का वर्क। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही आसानी से ये जो बर्फी है ना बनाकर तैयार की है। बाहर से मिठाई खरीदने की अब जरूरत नहीं है। घर पे बहुत ही आसानी से बिना गैस जलाए बिना गैस के पास जाए आप तुरंत ये मिठाई बनाकर सिर्फ 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। और देखने में ये मिठाई इतनी ज्यादा बढ़िया लग रही है ना उतनी ही ये खाने में स्वादिष्ट लगती है। इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और कहाँ से आप ये रेसिपी देख रहे हैं मुझे जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।